हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज़ अजीमा आलम, लेकिन आप लोग मुझे जानते हैं शाइनी गर्ल अजीमा के नाम से। तो मेरे चैनल का नाम है और इंस्टा पे भी मैं शाइनी गर्ल अजीमा के नाम से हूँ। और आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मेरी मम्मी आई है मेरे छोटे भाई को लेके, उसका चेकअप है दिखाने के लिए। तो मैं वहीं पर जा रही हूँ, गुवाहाटी पर ही आई है वो लोग। तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो इसलिए मैंने पहना है आज कुर्ती। तो और एक बात कहनी थी आप लोगों को, तो मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने जितना मुझसे होता है मैं बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बनाऊँ और जितना दिखा पाऊँ मैं दिखाऊँ वीडियोस में सब कुछ, मतलब जो भी मैं डिटेल्स पे दिखाने की कोशिश करती हूँ जो भी ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं होते। सब्सक्राइबर फिर भी 1000 हो गए हैं लेकिन टाइम नहीं हुआ है अभी तक, और व्यूज़ ही नहीं आते तो टाइम कैसे होंगे ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 200 होते हैं व्यूज़, तो इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और बहुत दिन पुराने जो वीडियो है उनमें शायद 500-800 ऐसा हुआ होगा 2-3 वीडियोस पे, और व्यूज़ ही नहीं आते और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बहुत ही डीमोटिवेट हो गई थी मैं। लेकिन फिर आज मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो मैंने सोचा कि मम्मी भी आ रही है, पापा मेरे छोटे भाई को लेके आ रहे हैं उसको दिखाने के लिए डॉक्टर, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाते हैं आज। मतलब वो मेरी हैबिट हो गई है बना के, तो मैं नहीं रह सकती बिना बनाए। तो आप लोग प्लीज़ देखना ब्लॉग। और टाइम पता नहीं क्यों कम होता जाता है, हर दिन कम हो रहे हैं टाइम। और तो अभी जाते हैं हॉस्पिटल, मम्मी पापा इंतज़ार कर रही है मेरी, तो देखते रहिए ब्लॉग। आ गई हूँ हॉस्पिटल के अंदर, अभी जाते हैं मम्मी पापा को कॉल करते हैं और देखते हैं कहाँ पे हैं वो लोग। गई थी कहाँ से आना है हॉस्पिटल के अंदर, मेरे पापा जाते हैं वहाँ पे, तो पापा जाके लेके आए हैं मुझे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के अप्लाई के लिए पापा के साथ, तो हो गए हैं वो, अप्लाई कर लिया है मैंने, तो आ गई हूँ फिर से हॉस्पिटल। यहीं पे है मम्मी पापा अभी भी, तो मैं भी अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 3:46, शाम हो जाएंगे जाते जाते। हॉस्पिटल का काम खत्म हो चुके हैं और रिपोर्ट आ गई है पहले से, थोड़ा अच्छा है अभी। तो रिपोर्ट पहले से थोड़ा बेहतर है अभी, तो अच्छा लग रहा है अभी सुन के। है पीठा, मम्मी घर पे बनाई थी पीठा, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा लेके आ गई। ये दूध और चावल के आटे से बनते हैं और साथ में बहुत सारा नारियल है इसके ऊपर, तो बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी लेके आई है मेरे लिए। तो
मैं फाइनली रूम आ गई हूँ और बहुत थक गई। पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठी थी और वहाँ पे खाना खाया, मतलब पास में ही एक होटल था वहाँ पे हमने खाना खाया। और फिर मैं गई थी मेरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए और मेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए, तो उन दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन। मैं और पापा गई थी हॉस्पिटल से ही, वहाँ पे गई हम जाके हमने वो अप्लाई किया। और फिर से हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। तो मेरे भैया आए थे, मतलब मेरे छोटे जो भाई है उसको लेके आए थे, और हमारे घर के पास एक दीदी है हमारे, तो दीदी की बेटी का अचानक से कुछ हो गया, मतलब कुछ बीमार है, तो उसको भी दिखाने के लिए लेके आए थे। उन लोगों के साथ ही आ गए थे वो लोग, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नहीं तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बहुत ही डीमोटिवेट हो जाती है। और आज फिर से मैं सुबह बताई थी आप लोगों को कि टाइम कम हो जाते हैं, फिर से अभी मैंने देखा 3 आवर्स कम हो गए हैं।